हम लोग उस क्यों मंगाने दिया आइसक्रीम? आइसक्रीम ऑरेंज क्यों नहीं खिलाते? आप बोला आइसक्रीम ऑरेंज खिलाने से कोई बात नहीं ना, सफेद खिलाने से कोई बात नहीं। देख, लास्ट टाइम आई एम सेइंग आइसक्रीम इज नॉट द मैटर। मैम पर तो आइसक्रीम पीने के बाद ही ऐसा हुआ तो है ना? नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पहले से कुछ खाती है या कुछ नहीं खाते। बदनाम मत दो, चेक कर लो, आपका आपका प्रॉब्लम है ये। बाहर चलिए, नेम फर्स्ट प्लीज, नथिंग एल्स। फॉर व्हाट? पेपर इज देयर, योर पेपर इज देयर। कैन यू प्लीज शो मी दैट पेपर? फॉर व्हाट? व्हाई? कैन यू प्लीज शो मी? इट्स सिंपल। सुबह तरफ में नॉर्मल हो गया तो पेन लोग चला गया, तो पेन जाने के बाद में उन लोग बोला है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है, नॉर्मल है। तो ऐसे बोल के बैठा, तो भाई जो उसका बड़ा भाई है अल्बर्ट और संगमा, वो क्या किया, वो खाने के लिए चला गया। बोला लड़का सामुएल को, उन लोग बोला थोड़ा मेडिसिन लेके आओ, क्योंकि वो बाहर चला गया। आके देखा है तो वो आइसक्रीम खा रहा था। हॉस्पिटल वाला लोग लाके, हॉस्पिटल स्टाफ वाला लोग उसको आइसक्रीम दिया, रोजी को दिया आइसक्रीम खाने के लिए। तो मेरा जो उसका भाई है, बड़ा भाई है अल्बर्ट, वो आइसक्रीम को फेंक दिया। मैं, क्यों आप लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं? तो ये आइसक्रीम खिलाने का राइट नहीं है, आप लोग आइसक्रीम खिलाया। तो उसका बाद में वो आइसक्रीम खाने के बाद में बहन तो पूरा सीरियस हो गया, तो उसको तो फॉमिंग निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकला, बहुत सीरियस हो गया। तो इसके वजह से फिर सामुएल गुस्सा से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लाइव वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने टाइम में हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उसको पीछे से मारा है, उसका वीडियो भी छीनने की कोशिश किया। तो डॉक्टर का हाथ में जो एक तो डॉक्यूमेंट था वो मांगा है, उसको दिखाओ बोला है, लाइव वीडियो में पूरा दिखा रहा है वो, तो उन लोग नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट को लुका दिया। तो ऐसा करके आंटी को देखा तो थोड़ा बाद में आंटी सीरियस हो गया, अल्बर्ट देखा तो मर गया वो। तो ऐसा करके हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद में उन लोग इमीडिएटली मोर्चुरी वैन को बुला दिया। तो मोर्चुरी वैन को क्यों उन लोग बुलाएगा, और फैमिली आदमी को नहीं पूछ के मोर्चुरी वैन बुलाने का राइट भी नहीं उन लोगों का। तो उसमें देती इज देर सम फॉल प्ले, गड़बड़ कुछ है, इसलिए उन लोग ऐसा किया। तो वीडियो भी बंद कर रहा था, पेपर भी नहीं दिखा रहा था, कागज़ नहीं दिखाने का मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होने से, सच होने से उन लोग कभी नहीं करेगा। तो ऐसा करने के बाद में, तो जब वैन आया मोर्चुरी वैन, हमारा वो साला अल्बर्ट वो उसको रिकॉर्डिंग किया, बुलाने को बोला है वीडियो में, दे आप लोग अगर बॉडी लेके जाएगा तो हम लोग उसको वायरल कर देगा, हम लोग हमारा वैन को यहाँ मार दिया है, हम लोग जब तक पुलिस नहीं आएगा नहीं कर जाने नहीं देगा। तो वैन वाला लोग बोला है ठीक है, नहीं नहीं जाएगा हम लोग, आप लोग का 25 मॉर्निंग में भी सामुएल हमको डिप्रेस था, मन दुख था, ऐसा ऐसा हुआ है, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल, हमको 5:30 में फ़ोन किया। तो 5:30 में फ़ोन किया तो बोला है हमारा आंटी को इन लोग मार दिया, आइसक्रीम खिलाया, सीरियस कर दिया, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल को, केस हम लास्ट तक अकेला उनसे भी करेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में फिर मम्मी के साथ भी बातचीत हुआ, तो मम्मी के साथ बात होने के बाद में भी मम्मी को भी बोला है ऐसे ऐसे है, ऐसा हम तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लड़का इतना फाइट करेगा बोलने वाला लड़का, फिर एक घंटा आधा घंटा का बाद में उसका खबर नहीं मिल रहा था, तो हम लोग को फ़ोन कट ऑफ हो रहा था। तो उसका मम्मी कॉन्टेक्ट किया उसका दोस्त लोग के साथ में, दोस्त लोग जाके फिर रूम में उसका देखने की कोशिश किया, तो जाके देखा तो हैंग हो गया था, ऐसा करके खबर दिया। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो लड़का इतना फाइट करना चाहता था उसका उसको हैंग कैसे हो गया, सुसाइड केस बोल रहे। लेकिन हम लोग यहाँ में जब बॉडी लाया, उसका बॉडी में पूरा इंजरी मार्क्स है, उसका दांत भी टूटा हुआ है, उसका फेस भी फुला हुआ है, लिप्स भी तोड़ के रखा है, पैर में भी इंजरी है। एक सुसाइड केस में ऐसा इंजरी मार्क्स नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं। तो ये हम लोग जानता है ये मर्डर केस है। तो हम लोग चाहता है नागालैंड गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, और NGOs लोग है, स्टूडेंट यूनियन लोग, सब आप लोग प्रेशर दीजिए इनका ऊपर जी, ताकि हमका लड़का को जस्टिस मिले, कि हम लोग ये मर्डर केस है बोल के हम लोग पूरा फुली हम लोग का डाउट है। हम लोग नहीं चाहता ये सुसाइड केस है बोल के आप लोग क्लोज कर देगा, केस खत्म कर देगा। जस्टिस मिलना चाहिए, रोजी आर संगमा को भी जस्टिस मिलना चाहिए, समल को भी जस्टिस मिलना चाहिए। आइसक्रीम ऐसे खाने से आदमी हॉस्पिटल में मर गया, ये तो हॉस्पिटल फुली नेग्लिजेंस है, ये कम्प्लीटली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स। बिकॉज वी नो इन ICU वी डोंट टेक एनी वाटर, इवन वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट गिवन टू ए पेशेंट। सो वी वांट फुली जस्टिस, वी वांट द फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस और इंचार्ज ऑफ दैट एरिया टू फुली do the investigation and find out the truth about the death of medical negligence of Rosie or Sangma, and also the suicide case of Samuel.
where they are just declaring it as a suicide, which we don't believe. As parents, we will not believe, because he was a boy who could make a live video and then he can directly challenge the whole hospital authority in a state of Delhi. So we want full justice and we want full investigation, clear-cut investigation, so that nothing is hidden, nothing is confidential, and everything comes clear, so that the people of North East can believe the government of India and the Delhi government that they are safe in Delhi. We don't to think that we are aliens in that Delhi. We want justice for all our Northeastern brothers and sisters, like my son and my sister-in-law Rosie. So I just want to tell that everybody kindly give the pressure to the government of Haryana and the Delhi government and Delhi police, and request them to do the needful and find out the truth behind all these things, which I think it should not go just unnoticed like other cases of the Northeast people. I don't want their just bodies to come and just suicide or just a mysterious circumstances death. I don't want this type of report. We want fully justice, because Northeast is a part and parcel of India, and the whole India should know that. So I just want to tell that we want full justice in case of Samuel as well as Rosie. It should not be just cases, just neglected case of suicide or just medical, just simple death. আর আমি নাগালেন্ডতে লাগে তাহাতক তাহাতর জায়গাত আমি তাহাতক থলে আমি একো রাইট নাপাম এইটার কারণে মই নাগালেন্ডত তাহাতক দুজনক লাগে সালকানি সালগাথাম স্কাং স্কাং আচিক সাকানি নাগালেন্ডুনি ইসংনি শিয়ানি কোপরা কুচকা মানা সাকসা হসপিটালো আর সাকসা সুইসাইড কা আনি আগানিগা আর ইয়া কোপরা কুচকা মানা আর ইয়া কোপরা কো মানে চিকা নামিন দুঃখ মাতনা সুকুক যা আর দাক বসরাং নানাং চাচিন দেবক মাহা ইয়ানি গিসে পোন নাগাল্যান্ড নাগাল্যান্ডনি দুথাং দুথাং অর্গানাইজেশন লিডারাং দালো দিল্লিও দা ইয়ারাং মঙা কন্টিনিউসলি ফোন কন্টেক্ট কাহিঙা বিশংসা নুচা সুনি নাগাল্যান্ড গারো কাউন্সিলনি মেম্বারাং দা ডিমাপুর বিশং মুংবা রেগুলারলি আ কন্টেক্ট কাহিঙা আরও ইয়ে বিকচম মিস্টার স্যামুয়েল লেট স্যামুয়েল সাংবানি ভাগবা বাকসাবা আঙ্কুল পুজো মাইকে মুখাংছি এফ আই আর লজ কাকেন মা কাজাওয়া কমপ্লেন লজ কাকেন মা কাজাওয়া ইয়ার বিশুন ছানছি না সিং উনিগে মান ইয়া কমপ্লেন আর এফ আই আর লজ কাকো ছিনা সিংগেন আঙা স্যামুয়েল নি ভাগবা না বাঙা জো দ্যাট ছিঙা দাকলো অ্যাজ লিডার্স দাক ছাক না ছিঙা রেডিও কিঙা আর বিশু মাইবা ডাক চাকানি কোনো আঙা ওদে চিংকু জি সুমে কন্টেক্ট কাটনা মাত নাইগেন আর মাইবা প্রবলেম আ ওদে মাইবা নিক নিকানি কু মাতনা ওদে বিশু জি সুমে বা চিনা ফোন কা এমন চিনা ইয়াত না মাতগেন আর চিনা চিনি সাইডুনি আঙাবা অ্যাজ আ লিডার অফ দ্য গারো কমিউনিটি আর অ্যাজ চিফ মিনিস্টার অফ মেঘালয়া অ্যান্ড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য লিডার্স অফ দ্য নর্থ ইস্ট আঙা ইয়ে সুকো আংনি সাইডুনি আংনি মাতনা তো পে তাঙা ঠিক আপ কাকেন অ্যান্ড এবার বিশুংনি ইনিশিয়েটিভ রাখো আংলে কিয়া
हैं।